बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर है थर्मोकेमिस्ट्री। व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम सिस्टम पढ़ेंगे, सराउंडिंग के बारे में, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, इंटरनल एनर्जी क्या है, इंथाल्पी क्या है, और फिर हम इसके बाद एक बोर्न हाइबर साइकिल पढ़ेंगे और हैसिस ला, ये इस चैप्टर के अंदर शामिल है। उसमें हम थोड़ा सा कैलोरीमीटर और बम कैलोरीमीटर के बारे में भी इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे, किस तरह से हीट एनर्जीज जो हैं या ये चेंज इन हीट जो है मैयर किस तरह से की जाती हैं, उसके लिए हम बम कैलोरीमीटर और आम नॉर्मल कैलोरीमीटर इस्तेमाल करते हैं। तो थर्मोकेमिस्ट्री, हीट चेंजेस ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंज प्रोसेसेस या चेंजेस आर कॉल्ड आर स्टडीड अंडर द टॉपिक थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, प्रोसेस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्पॉन्टेनियस और दूसरे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद हो रहा हो, यानी हम नहीं कर रहे, वो खुद ब खुद हो रहा है। मतलब वाटर डाउन हिल आ रहा है, ठीक है, पानी गिर रहा है पहाड़ी से, तो हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, हम ना एनर्जी दे रहे हैं ना वो, मतलब खुद बहुत हो रहा है। इट इज़ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस, ठीक है, और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ये रियल प्रोसेस होता है। मे नीड टू इनिशिएट, मे नीड एनर्जी टू इनिशिएट। इनिशियली हमें हो सकता है थोड़ी एनर्जी देनी पड़े इसको स्टार्ट करने के लिए, लेकिन वंस इट स्टार्टेड गोज एट इट्स ओन, जब ये शुरू हो जाए तो खुद बहुत होता है। मसलन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, आप एक एसिड और बेस को आपस में मिलाएं तो हमें और कोई काम नहीं करना, उनको जस्ट मिलाएं तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। या फिर आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक ऐड कर दें तो जिंक ज़्यादा रिएक्टर है, जिंक सल्फेट खुद बन जाएगा और ब्लू कलर कॉपर का गायब हो जाएगा। ये प्रोसेस खुद बखुद हुआ, न्यूट्रलाइजेशन खुद बखुद हुई, डाउनहिल वाटर जो गिरा, ये तमाम यूनिडायरेक्शनल, इरिवर्सिबल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं। आम तौर पे ये ख्याल किया जाता है कि ये एक्सोथर्मिक होते हैं, ठीक है, हालांकि समटाइम्स ये एंडोथर्मिक भी होते हैं। कीप इन माइंड, ये एक आप प्रोसेस पढ़ते हो एवेपरेशन, याद रखना है आपने। एवेपरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, किसी भी टेम्परेचर पे हो रहा है। इट डजेंट मीन कि ये एक्सोथर्मिक है, इट नीड्स एनर्जी। ये हमारी सनलाइट इस्तेमाल करके किसी भी टेम्परेचर पे वाटर से वेपर्स उठ रहे होते हैं, इसलिए याद रखिएगा एवेपोरेशन इज स्पॉन्टेनियस बट एंडोथर्मिक। आम तौर पे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक्सोथर्मिक होते हैं, ठीक है, समटाइम्स ये एंडो भी हो सकते हैं, याद रखना है आपने। उसके बाद नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन नॉट टेक प्लेस एट इट्स ओन, ये खुद ब खुद नहीं होते, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं ये, ठीक है, और कंटिन्यू टू लिमिटिंग केस तक ये चलते रहते हैं। एनर्जी सप्लाई इसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। मसलन पंपिंग वाटर अपहिल, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, चाहे आप पंप लगा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाएं या जैसे भी है, या आप खुद उठा के लेके जाते हैं तो एनर्जी तो लगा रहे हैं। तो पंपिंग वाटर अपहिल या वाटर को ऊपर लेके जाओगे तो यू हैव टू गिव एनर्जी। इसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड, हालांकि ये प्रोसेस जो है इसके लिए 180 किलो जाउल पर मोल एनर्जी की ज़रूरत होती है, याद रखिएगा 180 किलो जाउल, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो लेकिन कीप इन माइंड, जब लाइटनिंग होती है, थंडरस्टॉर्म में बिजली चमकती है, तो ये खुद बहुत बन जाती है। देखें, हालांकि प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, प्रोसेस एंडोथर्मिक है, लेकिन वो खुद बहुत रहा है। इसका मतलब है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कोई ज़रूरी नहीं है कि तमाम एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस हो और तमाम एंडोथर्मिक नॉन स्पॉन्टेनियस हो। ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, इतनी एनर्जी इसको चाहिए, लेकिन फिर भी लाइटनिंग के दौरान खुद होता है, लैब में हम इसको एनर्जी दे के करवा रहे होते हैं। अब आपके पास 1 मोल वाटर है लिक्विड, आप इसको गैशियस में चेंज करना चाहते हो, वाटर स्टीम में, तो तब भी आपको एनर्जी चाहिए होगी 42 किलो जाउल पर मोल, ये याद रखिएगा, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है हमें खुद करवाने पड़ते हैं, एनर्जी सप्लाई की जाती है। अब हम चंद
टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे. व्हाट इज सिस्टम? एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन. एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, या फिर आर्ग्यूमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन या आर्ग्यूमेंटेशन के लिए, दिस इज कॉल्ड सिस्टम. तो बाउंड्री क्या होती है? कहते हैं एन इमेजिनरी आर रियल सरफेस, ठीक है, सेपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग. सेपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है. और इसके बाद है व्हाट इज सराउंडिंग. सराउंडिंग क्या है जी? एनीथिंग अदर देन सिस्टम. एनीथिंग अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग. आपके पास एक कप ऑफ टी है, ठीक है, उसके अंदर जो टी है दैट इज सिस्टम, और कप जो है दैट इज बाउंड्री. कप क्या है? बाउंड्री है. और टेबल उसके लिहाज से या रूम जिसमें वो पड़ा हुआ है, ठीक है, वो क्या है? सराउंडिंग है उसके लिहाज से. इस तरह से हमें पता चला ए कप ऑफ टी इज अ सिस्टम, अ कप इज बाउंड्री एंड द होल रूम इज इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है जी. तो सिस्टम कई तरह से होते हैं, ये भी याद रखना है आपने. ओपन सिस्टम होते हैं, क्लोज सिस्टम होते हैं, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं, ठीक है. इस तरह सिस्टम की बहुत सी टाइप्स हैं, ये आपको याद रखना होगा. बाउंड्री क्या है, सराउंडिंग क्या है, ये टर्मिनोलॉजी है बेसिक जब आप थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ने जा रहे होते हैं. स्टेट फंक्शन, ये एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, अ माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब ए सिस्टम, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर द चेंज, ठीक है. मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब ए सिस्टम, ठीक है. दिस इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन. इनिशियल स्टेट क्या है भाई? स्टेट ऑफ द सिस्टम बिफोर ए चेंज, ठीक है. और ये क्या है? स्टेट ऑफ द सिस्टम आफ्टर चेंज, ठीक है. मसलन वॉल्यूम वी वन था, टेम्परेचर टी वन था, प्रेशर पी वन था, तो आपने उसमें चेंज किया तो वॉल्यूम वी टू हो गया, ये फाइनल स्टेट है. टेम्परेचर टी टू हो गया और प्रेशर पी टू हो गया. तो ये क्या है जी? स्टेट फंक्शंस. ये क्या है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जो कि सिस्टम को डिस्क्राइब करती है. कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन इज नॉट डिटरमिंड. तो फिर क्या करते हैं? चेंज इन प्रॉपर्टीज इज डिटरमिंड. हम स्टेट फंक्शन की एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें हम प्रेशर देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, इंटरनल एनर्जी होगी हमारी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी हो सकती है, एंथैल्पी हो सकती है, ठीक है, ये सारी हमारी, और फ्री एनर्जी हो सकती है. अगर आप देखें प्रेशर के लिए डेल्टा पी आप इस्तेमाल करोगे वी टू माइनस वी वन, और टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर इज़ अ स्टेट फंक्शन, आप देखोगे टी टू माइनस टी वन, और वॉल्यूम के लिए चेंज इन वॉल्यूम के लिए वी टू, ये चेंज इन वॉल्यूम था. चेंज इन प्रेशर के लिए आप देखोगे P2 माइनस P1. इसी तरह अगर आपके पास इंटरनल एनर्जी है डेल्टा E, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी E2 माइनस E1, और गिब्स फ्री एनर्जी अगर है जिसको आप डेल्टा S कहते हो,
दिस विल बी इक्वल टू एस टू माइनस एस वन. और इंथाल्पी जिसे हम कहते हो, इंथाल्पी का क्या सिंबल है, ये इंटरनल एनर्जी है इंथाल्पी, और एंट्रोपी हो गया हमारे पास. ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन है, हम इनकी फाइनल और इनिशियल स्टेट के डिफरेंस से हम इनको फाइंड कर सकते हैं. व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू है के ई प्लस पी ई, या दूसरे लफ्जों में सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज इन अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. आप जरा देखो, इंटरनल एनर्जी हमने कहा दैट इज इक्वल टू के ई प्लस पी ई. अब के ई के अंदर काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या आ सकता है? ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी, ये सारी इसमें शामिल है. पोटेंशियल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है. कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, हाँ इसमें चेंज जो है वो फाइंड कर सकते हो. इसका मतलब है डेल्टा ई हम मालूम कर सकते हैं, दैट इज ई टू माइनस ई वन बिफोर ए चेंज. आप कहेंगे आफ्टर चेंज माइनस बिफोर ए चेंज. इंटरनल एनर्जी, आप किसी सिस्टम को एनर्जी देते हो, अब हमें नहीं पता उसमें कितनी वाइब्रेशन हुई, कितनी रोटेशन हुई, कितनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आई, मूवमेंट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे क्या फ़र्क पड़ा, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कोवलेंट बॉन्ड कितने रोटेट हुए, कितने उनमें डिसरप्शन आई, ये हम नहीं बता सकते. फिर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी हम फाइंड नहीं कर सकते, हाँ हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं. What is pressure volume work? Pressure volume work, वैसे तो work is equal to किसके होता है, force into displacement. आपके पास एक फ्लास्क है, उसमें आप कैल्शियम कार्बोनेट लेते हो, उसका रिएक्शन HCl के साथ करवाओ तो CO2 गैस पैदा होती है, ये वाली. ये CO2 गैस जो है इस पिस्टन के आके पिस्टन पे प्रेशर डालती है और इसको पुश कर देती है, इस पे कुछ वर्क करती है, इसका डिस्प्लेसमेंट होता है V1 से V2, इसका वॉल्यूम हो जाता है जिसको मैं डेल्टा V कह देता हूँ. तो केमिस्ट्री में प्रेशर वॉल्यूम वर्क W जो होता है, दैट इज F जो है वो प्रेशर है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज इन वॉल्यूम है. अब चूंकि आपने CaCO3 को हीट किया, CO2 पैदा हुआ, सिस्टम ने सराउंडिंग पे काम किया है, तो जब सिस्टम सराउंडिंग पे काम करता है तो W की वैल्यू माइनस में होती है. दिस इज कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम वर्क इन केमिस्ट्री. ठीक है, इसको कैसे शो करते हो, माइनस पी डेल वी, दिस इज कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम वर्क इन केमिस्ट्री. व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसका एक स्टेटमेंट क्या है जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ प्रोसेस, इन अ प्रोसेस रादर इट इज चेंज्ड from one form to an other form. ठीक है, energy can neither be created nor destroyed. Energy एक system की conserve रहती है, energy को ना आप destroy कर सकते हैं ना उसको हम एक form से दूसरी form में change कर देते हैं,
ठीक है, ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम कहते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ प्रोसेस, रादर इट इज चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इंटरनल एनर्जी आप देख रहे हैं, आप कहते हैं इज इक्वल टू है क्यू प्लस अमाउंट ऑफ इट सप्लाई टू द सिस्टम प्लस पी डेल वी। आप पी डेल वी कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क, अगर आप काम कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, आपने वॉल्यूम चेंज होने नहीं दिया, प्रेशर वॉल्यूम वर्क ही नहीं होगा, तो इसका मतलब है डेल्टा वी इज इक्वल टू है क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम को आपने कांस्टेंट रखा हुआ है। दूसरी फॉर्म में आप कहते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू है क्यू पी, ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल टू है क्यू पी, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी, क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, एंथैल्पी। एंथैल्पी इज इक्वल टू है एच इज इक्वल टू है ई प्लस पी वी, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। हम फिर कहते हैं जी एब्सोल्यूट वैल्यू एंथैल्पी की नहीं पाई जा सकती, तो हम फिर क्या करते हैं डेल्टा से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी, यानी इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एंथैल्पी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी एंड हीट ऑफ रिएक्शन? एंथैल्पी है एनर्जी चेंज ड्यूरिंग ए रिएक्शन, रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये क्या है, ये भी हीट चेंज या एनर्जी चेंज ड्यूरिंग ए रिएक्शन एट एनी प्रेशर। अगर एनी प्रेशर हो तो हीट चेंज, अगर 1 atm या कांस्टेंट प्रेशर हो तो फिर आपका एंथैल्पी चेंज होगा। एंथैल्पी और हीट ऑफ रिएक्शन आमतौर पे सेम समझी जाती है, लेकिन बेसिक डिफरेंस इनमें एट कांस्टेंट प्रेशर एट एनी प्रेशर। ठीक है, अब हम कुछ एंथैल्पीज देखते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच ऑफ आर, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एच टू रिएक्ट्स विद ओ टू टू गिव वाटर टू गिव अस एनर्जी डेल्टा एच ऑफ आर -285 किलो जॉल पर मोल। व्हेन 1 mole ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गिव राइज टू 1 mole ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसके बाद है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हेयर यहाँ पे हम एम जी ओ बना रहे हैं, कैसे जी, जब 1 mole हमारे पास एम जी ओ बने दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम जी ओ। ठीक है, -692 किलो जाउल पर मोल। अब है एनर्जी ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को आप डेल्टा एच ऑफ एफ से शो करोगे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को डेल्टा एच ऑफ एटोमाइजेशन। तो जब 1 mole हमारे पास किसी एटम के बन जाएं, किसी मॉलिक्यूल को तोड़ के उसके मोल बना लें, तो हमारे पास किलो जाउल पर मोल, ये चूँकि मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का हम तोड़ रहे हैं इसका प्लस साइन होना चाहिए, ये 436 एनर्जी आपको चाहिए, लेकिन एक हाइड्रोजन के लिए हमें 218 एनर्जी हम उसकी कंसीडर करेंगे। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डेल्टा एच ऑफ स्मॉल एन, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जब 1 mole बेस 1 mole एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिले, एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, जब 1 mole ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाए, कंबस्टन उसका हो जाए टू गिव CO2 एंड वाटर इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। व्हेन 1 mole ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंप्लीटली बर्नड इन एयर टू गिव CO2 एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एच ऑफ सी। इसी तरह डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन,
अमोनियम क्लोराइड को अब वाटर में डिसॉल्व करो, सॉलिड से एक्वस में जाएगा तो 16 किलो जाउल पर मोल एनर्जी चाहिए होगी। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट को अगर आप सॉलिड से एक्वस यानी वाटर में लेके जाओ तो अब के बार एनर्जी रिलीज होगी 25 किलो जाउल पर मोल, इसका नेगेटिव साइन होगा। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट की जो एनर्जी होगी दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एनर्जी इज बीइंग इवॉल्व। तो आप इस एनर्जी चेंज से अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा प्रोसेस कैसा है। ये एंडोथर्मिक है, बाकी ये इंथैल्पीज जो हैं सारी की सारी हमारे पास नेगेटिव साइन आ रही हैं, और डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन फॉर अमोनियम क्लोराइड हमारे पास पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, ये तो थी कुछ इंथैल्पीज, इसका हमें पता होना चाहिए एटोमाइजेशन क्या है, फॉर्मेशन क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन क्या है, कंबस्टन क्या है, और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है। अब हम देखते हैं हैसेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। एनर्जी कंटेंट ऑफ रिएक्शन रिमेंस कांस्टेंट, आइदर रिएक्शन कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप्स, यानी एनर्जी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन रिमेन सेम। आप ए से डी तक जाना चाहते हैं, एक रास्ता तो यह है कि आप सीधा इधर आ जाएँ, दूसरा रास्ता ये है आप बी पे जाएं, बी से सी पे जाएं और सी से डी पे आएं। इसका मतलब है डेल्टा एच इज इक्वल टू है डेल्टा एच ऑफ वन प्लस डेल्टा एच ऑफ टू प्लस डेल्टा एच ऑफ थ्री। ये तीनों एचेस ऐड कर लें आप, डेल्टा एच इज इक्वल टू एच ऑफ वन, एच ऑफ टू, एच ऑफ थ्री, यानी इनका आंसर इक्वल आएगा। ठीक है जी, हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है वो सेम आएगा। दिस इज कॉल्ड हैसेज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट हीट समेशन। आप जिस भी रास्ते से जाओ, चाहे सीधा जाओ चाहे इस रास्ते से जाओ, एनर्जी चेंज साइक्लिक प्रोसेस में सेम रहता है। बोर्नहाइबर साइकिल भी बेसिकली इसी ही की एक एप्लीकेशन है। बोर्नहाइबर साइकिल क्या है, एनर्जी नेट एनर्जी चेंज इन अ साइकिल इज ऑलवेज ज़ीरो, या नेट एनर्जी जो है वो ज़ीरो रहती है किसी साइक्लिक प्रोसेस में। क्लोज सिस्टम होना चाहिए। लेटेस्ट एनर्जी आप किसी कंपाउंड की कैलकुलेट कर सकते हैं बोर्नहाइबर साइकिल को इस्तेमाल करते हुए। इसका हम यूँ लिखते हैं, इसका मैथमेटिकल ये समेशन डेल्टा एच ऑफ साइक्लिक सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। ये इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि किस तरह से आप लेटर्स, मतलब NaCl की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप किस तरह से लेटर्स ऑफ NaCl फाइंड कर सकते हैं अगर आपको डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन दी गई हो। ये मैं आपके सामने अभी करता हूँ, कुछ MCQs का जायज़ा लेते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, हाँ जी एंथैल्पी, क्या ख्याल है जी, स्टेट फंक्शन है या नहीं? एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, और फ्री एनर्जी जो है वो भी स्टेट फंक्शन है, तो फिर कौन सा नहीं है? क्यू, हीट जो है दैट इज़ नॉट स्टेट फंक्शन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इफ़ वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम द रिएक्शन इज, भाई आपके पास क्विक लाइम है CaO, आप इसमें वाटर ऐड करते हो तो CaOH ट्वाइस होता है, बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये वाला रिएक्शन अगर होगा तो ये तो एक्सोथर्मिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, क्विक लाइम पे आप वाटर डालेंगे जिसे बुझा हुआ अनबुझा चूना कहते हैं, तो ये बुझा हुआ चूना या लाइम वाटर बनता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी इज कैलरी जाउल एर्ज किलो जाउल, तो स्मॉलेस्ट यूनिट याद रखिएगा एर्ज है, दैट इज़ वन कैलरी के वन एक लाख के बराबर, या इस तरह से 10^7। वन जाउल इज इक्वल टू कैलरी, एक जाउल कैलरी के कितने के बराबर है, तो ये वाला ऑप्शन है, और अगर ऑप्शन होता वन कैलरी इज इक्वल टू जाउल तो फिर ये वाला ऑप्शन होता। अगर इसको ऑपोजिट कर लो, वन कैलरी इज इक्वल टू जाउल होता तो फिर ये वाला ऑप्शन होता, लेकिन अब ये वाला ऑप्शन है। मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस विच गिव स्टेबल प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट कब बनता है, क्यों भाई, जब स्टेबल प्रोडक्ट जब होता है कि जब प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाए। ठीक है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो तो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक में किस में कम होती है, अगर आप ग्राफ ड्रा कर लो एक्सक्लूसिव नॉन, अच्छा ये एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, एनर्जी रिलीज होकर प्रोडक्ट स्टेबल हो जाता है, ये एक्सोथर्मिक आएगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज सच इन विच सिस्टम डिक्रीजेस, क्या
एनर्जी, फ्री एनर्जी या एंट्रोपी, या तमाम ये तमाम कम हो रहे होते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में। एनर्जी भी कम होती है, फ्री एनर्जी भी कम होती है, और एंट्रोपी या इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है वो भी कम हो रही होती है। अच्छा, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज ऑलवेज, क्या होता है जी डेल्टा एच एक्सोथर्मिक रिएक्शन में? ऑलवेज एक्सो है ना, तो नेगेटिव होना चाहिए, और अगर होता एंडो तो फिर पॉजिटिव का ऑप्शन आपका दुरुस्त होता। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर यूजुअली कैसे होते हैं जी? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आम तौर पे याद रखिएगा एक्सोथर्मिक होते हैं, बट नॉट ऑलवेज। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की मैं भी एक एग्जांपल देता हूँ। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में आप देखें जी एवेपोरेशन, हालांकि ये स्पॉन्टेनियस है लेकिन याद रखना ये एनर्जी लेती है सनलाइट लेके, तो ये एंडोथर्मिक होता है। आम तौर पे ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर। विच सब्सटेंस हैज़ डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच एंड नो पी वी वर्क? लिक्विड्स, सॉलिड्स, गैसेस या लिक्विड्स एंड सॉलिड्स? यू नो कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क तब होता है जब वो गैस हो, गैस गैसियस स्टेट में होता है, लेकिन हमने कहा है जी नो प्रेशर वॉल्यूम वर्क, तो सॉलिड और लिक्विड दोनों के केसेस में ये होता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क हम कंसिडर नहीं करते। इन केमिस्ट्री प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज इक्वल टू पी वी एफ डी पी डेल वी वी डेल पी, तो यकीनन पी डेल वी, और अगर सिस्टम वर्क करे तो माइनस पी डेल वी, और अगर सिस्टम पे काम हो रहा हो तो पी डेल वी पॉजिटिव होगा। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज, कैसे हीट ऑफ रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हो कॉन्स्टेंट प्रेशर? डेल्टा ई, डेल्टा एस, डेल्टा एच, डेल्टा क्यू, तो यकीनन हीट ऑफ रिएक्शन के लिए एंथैल्पी और एंथैल्पी के लिए कांस्टेंट प्रेशर कह दिया ना, तो एंथैल्पी बन जाता है। टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, तो यकीनन इंटरनल एनर्जी नॉट वर्क। एंथैल्पी ऑफ वाटर फॉर्मेशन इज, आप फॉर्मेशन की बात कर रहे हो, एच टू प्लस हाफ ओ टू चेंजिंग टू एच टू हो, तो फॉर्मेशन में याद रखिएगा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। आप ये दो वैल्यूज़ हैं, तो अगर वो कहता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर तो ये वाला, और अगर वो कहता है डिसोसिएशन ऑफ वाटर, वाटर को डिसोसिएट करोगे तो फिर ये आएगा, ठीक है। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग वन मोलर अमोनियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन फॉर्मेशन इज, क्या होगा जी? अमोनियम क्लोराइड को, ये आपको पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये होना चाहिए इसका ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे अगर वो अमोनियम क्लोराइड की जगह सोडियम कार्बोनेट का आपसे पूछ ले तो फिर याद रखना ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, फिर ये ऑप्शन आएगा अगर अमोनियम सोडियम कार्बोनेट की बात करता है। एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप, कैसे करेंगे? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल वी, डेल्टा एच डेल्टा इज इक्वल डेल्टा ई माइनस पी डेल माइनस पी वी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस क्यू, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस क्यू, तो जो आप कैलकुलेशन के लिए रिलेशन इस्तेमाल करोगे वो होगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल वी।